ये कम से कम एक साल या 1.5-2 साल से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई यूनिवर्स का मतलब ये नहीं होता कि कैमियोज़ कराओ, आप कैमियोज़ कराओ, आप उनके कैमियोज़ को उठा के बड़े बड़े स्टार्स जो है उनके आपस में कैमियो एंड इंटरसेक्शन कोर्स करवा दो, जो कि वो कैमियो लगता नहीं, वो कुछ और लगता है, तो वो सब करवा कर आप स्क्रीन्स पे आप दिखाओ, एंड जिससे कि पब्लिक मतलब पूरा का पूरा उस स्टार को लेकर या वो कैरेक्टर्स को लेकर पूरा का पूरा डिमांड ही ख़त्म हो जाए। नॉट ओनली मेरा डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मेन ये है कि आप यूनिवर्स बना रहे हो, आप हज़ार हज़ार आपकी एक पहली फिल्म आती है, यूनिवर्स की फर्स्ट एवर फिल्म आती है जब आप ये पहली बात तो ये वायरफ ने यूनिवर्स बनाने का ये एवेंजर के बाद ही सोचा है। ये लोग पूरा का पूरा भड़कम भड़कम फेंकते हैं ये लोग पूरा कि हम लोग उस टाइम से 2012 से प्लान किए थे, सब कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सब बॉलीवुड के ये सब फेंकम फाकी है, ये सब हवाबाजी है। 2019 में जब एटीन में अवेंजर्स आई थी उसके बाद ही इन लोगों को दिमाग चला कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो इन लोगों ने पठान से ही एक्चुअल यूनिवर्स जो इनका जो यूनिवर्स का जो प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से इनकी फिल्म स्टार्ट हुई है वो पठान से स्टार्ट हुई है। तो पठान से अगर आपको 1000 करोड़ का एक बूस्ट मिल जाता है तो भाई आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं कि आप अगली फिल्म को उससे और बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हो। लाइक यूनिवर्स में क्या है कि स्क्रिप्ट राइटिंग का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, आप जितने हो सके उतने स्क्रिप्ट राइटर्स का एक टीम बनाकर आप अलग अलग हिसाब से यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इनका यूनिवर्स क्या है, पठान टाइगर में, टाइगर पठान में, पठान टाइगर में जाता है बिल्डिंग से कूदता है, टाइगर पठान में जाता है ब्रिज से कूदता है, बस ख़त्म ख़त्म, ये हो गया इनका यूनिवर्स ख़त्म, इतने में यूनिवर्स इनका ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस चीज़ के हमेशा अगेंस्ट था, ये स्टार्टिंग से ही जो लोग मैं अपडेट्स देने के मामले में वायरफ के नो डाउट सारे फिल्म्स के 100% ट्रैक रिकॉर्ड में अपडेट देता हूँ, लेकिन बट एज अ कंटेंट मैं हमेशा चाहता हूँ कि भाई ये लोग क्या बना रहे हैं। यूनिवर्स इसको फिल्म मेकिंग नहीं बोलते, इसको यूनिवर्स नहीं बोलते, यूनिवर्स मतलब कैमियो, इसको उठा के उसमें डाल दिया, उसको उठा के उसमें डाल दिया, ये नहीं है एक और यूनिवर्स, अरे बाबा वो तो छोड़ दो, मजाक चलता है उसमें तो, हाँ तो ये इसको यूनिवर्स नहीं बोलते। अभी क्या हुआ, अब जाके इनको ये बात समझ में आई कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट वे, यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर को उठाओ और दूसरे कैरेक्टर में डाल दो, उसका स्टारडम का यूज़ करके आप क्या करो कि फिल्म को और बज करो, फिर ये कैरेक्टर को उठाकर उस कैरेक्टर उस फिल्म में डाल दो, इसका स्टारडम यूज़ करके उसकी फिल्म को थोड़ा सा बूस्ट अप कर दो। आपको लगता है पब्लिक थिएटर में ये दो के कैमियोज़ देखने के लिए आती है, यूनिवर्स देखने के लिए नहीं आएगी, कैमियोज़ देखें पब्लिक ने ठुकाई कर दी पूरी, स्पाई यूनिवर्स की लास्ट फिल्म की ठुकाई कर दी। यहाँ से ये लोग बौखला गए, यहाँ से इनको समझ आया कि अब हम लोग गलत कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली टाइगर 3 में मैंने यही चीज़ कहा था, भाई फिल्म के अंदर ना हर चीज़ सही है बट डायरेक्शन इतना ख़राब किया है, इतना ख़राब डायरेक्शन किया है कि मतलब वो फिल्म अच्छी ख़राब नहीं होने के बावजूद भी वो फिल्म को पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ये चीज़ मैंने day 1 को बोला था जब उसकी ओपनिंग 57 करोड़ की कुछ लगी थी, 57 नहीं, हाँ सेकेंड डे 57 करोड़ की लगी थी कुछ, उसी दिन मैंने ये चीज़ बोल दिया था और वही बाद में हुई। जबकि टाइगर 3 के ग्लिम्स एंड सीन्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस जितने अपडेट्स मैंने दिए थे रिगार्डिंग सीन्स के, शायद ही पूरी दुनिया में किसी यूट्यूबर में उतना नहीं दिया होगा। भाई रिस्क ले लेकर कॉल भी आया था मुझे, रिस्क ले लेकर उसके एक्शन सीक्वेंसेस मैं एक्सप्लेन करता था रिलीज से पहले। लकीली मेरे को मिल जाता है तो बस मैं इनडायरेक्टली बता देता हूँ, वॉर 2 का भी अभी सीक्वेंस बताया था। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद मुझे फिल्म जब देखा ना भाई, ये वही बात हो गया कि भाई मतलब आप पूरा का पूरा फिल्म मेकिंग बर्बाद कर दिया। कैमियोज़ को यूनिवर्स नहीं बोलते, यूनिवर्स का अभी मैं बताता हूँ एक्चुअल में खेल कहाँ होना चाहिए। अभी सोचो, अभी पठान चल रहा है, पठान में कैरेक्टर है आशुतोष राणा का कैरेक्टर, कोई अगली फिल्म सोचो इनकेस टाइगर 4 या वॉर 3, इनकेस मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ, अभी वॉर 2 में क्या चला है वो तो वक्त ही बताएगा, वॉर 2 वॉर 3 जो भी फिल्म्स आनी हो, तो आशुतोष राणा का कैरेक्टर या तो डिंपल कपाड़िया का कैरेक्टर खत्म हो गया। तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वॉर में वो छोटी बच्ची का कैरेक्टर जो वानी कपूर की बेटी होती है उसको उसको उठाकर आप इसमें डाल सकते हो, कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर वाइज यूसेज आप दूसरे फिल्म में डाल सकते थे, पठान में डाल सकते थे, टाइगर में डाल सकते थे। तो कैरेक्टर्स का यूनिवर्स, कैरेक्टर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़े बड़े स्टार को उठाओ
मेन लीड को उठाकर चिपका दो दूसरे फिल्म के अंदर, जस्ट बिकॉज पब्लिक दोनों हीरो एक साथ हम थिएटर जाएंगे। नहीं होता भाई, नहीं होता, ये सब बकवास है। ये सब सिर्फ ओपनिंग ही दिला सकता है, लाइफ टाइम कलेक्शंस आपको नहीं दिलाएगा। लाइफ टाइम कलेक्शंस आपका डायरेक्शन आपको दिलाएगा, जैसे कि सिद्धार्थ आनंद का पठान में था, और लाइफ टाइम कलेक्शंस आपका स्टोरी, आपका जो कंसेप्चुअलाइजेशन जो आप दिखाना चाह रहे हो वो चीज़ ही आपको दिखाएगा। यानी ये उसको उठाकर उसमें चिपका दिया, उसको उठाकर इसमें चिपका दिया, बस खत्म, पिक्चर खत्म, बस हो गया, क्या हम यूनिवर्स बन गया? नहीं होता, ऐसा नहीं। आशुतोष राणा का कैरेक्टर उठाकर आप चाहते तो टाइगर 3 में डाल सकते थे, आशुतोष राणा को यूटिलाइज कर सकते थे कि आशुतोष राणा का कुछ सीक्वेंसेस एंड सीन्स वगैरह दिखाए जा रहे, वो ये बता रहा है कि इनको भेजना पड़ेगा उनको, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं। पठान का सिर्फ एक ही कैरेक्टर उठाकर टाइगर में डाला, खुद पठान को उठाकर टाइगर 3 में डाल दिया, और टाइगर 3 का एक ही कैरेक्टर उठाकर पठान में डाला, खुद टाइगर 3, बस खत्म। बस जब यूनिवर्स बनने वाला था तो उस टाइम पर थोड़ा सा 1% एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि आशुतोष राणा वॉर का आशुतोष राणा को उठाकर आपने टाइगर में पठान में चिपका दिया, बस थोड़ा सा 1% ज़्यादा दिमाग लगाया, क्योंकि वहाँ पर सिद्धार्थ आनंद था। तो यहाँ पर मनीष शर्मा तो खुद ही टेंशन में, उसको भी पता नहीं मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, बस पूरा टोटल हक दिया। तो अब इन लोगों ने अब ये चीज़ को डिसाइड करने के बाद तो अब टोटली ये लोग डिसीशन पे उतरे हैं कि अब हमें टाइगर के कैरेक्टर को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। ये कैरेक्टराइजेशन ये फिल्म का उठाकर उसमें डालो, उसमें फिल्म उठाकर उसमें डालो, इससे ज़्यादा हम लोगों को स्क्रिप्ट में ध्यान देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम लोगों को कैरेक्टर सेटअप्स, इसके कैरेक्टर्स को कैसे कनेक्ट किया गया। खाली मेन लीड को यूज़ करके 1000 करोड़ का लालच में हम लोग कुदाकादी नहीं करेंगे। इनको क्या है, मेन लीड यूज़ कर लो, बस कैमियो दिखा दो, 1000 करोड़ का लालच। भाई एक बार होएगा वो, हर बार 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 नहीं होता है वो। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को समझ आता है कि आप कैमियो दिखा रहे हो, फिल्म के अंदर घंटा कुछ नहीं है, गोबर है फिल्म, गोबर, गुड़ गोबर है, डायरेक्शन भी ख़राब है। तो वो पब्लिक को एक ही बार में समझ आ जाता है वो चीज़, इतनी बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक। तो अब इनको समझ आता है कि कैरेक्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा यूसेज करना कम करो, जाकर मेन उठा दिया टाइगर का कैरेक्टर को ही रोक दिया यहाँ पर। अब ये इनकेस अभी क्या होगा कि अब शायद मेरे को लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सुधरे होंगे, तो ये लोग क्या है कि वॉर में जो है, वॉर 2 में जो है, प्रॉपर बाकी कैरेक्टर्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा, जैसे कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स, ज़रूरी नहीं है कि मेन लीड कैरेक्टर, छोटे छोटे कैरेक्टर्स को ये लोग यूज़ करके अच्छे से ये लोग डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे एक एक सीक्वेंसेस एंड एक एक सीन्स का। और उसका डायरेक्टर बढ़िया है भाई, आयान मुखर्जी नो डाउट बढ़िया डायरेक्टर है, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म अगर वो बना सकता है तो वॉर उसके लिए, वॉर 2 बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक्शन फिल्म उसके लिए बनाना, माइथोलॉजिकल VFX फिल्म बना सकता है, अगर विजुअल हैवी लेवल विजुअल ग्रेड फिल्म बना सकता है वो, तो ये भी बना सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सही जा रहे हैं लोग, मतलब देखना पड़ेगा अभी आगे क्या करते हैं लोग। मुझे तो थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है, वॉर 2 को लेकर डाउट नहीं है, बट 50-50 पे हूँ मैं। तो लेट्स सी क्या होता है। टाइगर का कैरेक्टर को रोकना बहुत सही डिसीजन है, और नॉट ओनली टाइगर का कैरेक्टर, पठान का कैरेक्टर को भी रोकना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि पठान 2 आने तक उसका कैरेक्टर को भी डाउन अप कर दो लोग, दिखा दिखा कर अक्षय कुमार बना दो, यूनिवर्स का अक्षय कुमार बना दो, क्योंकि अक्षय कुमार बार बार स्क्रीन में आता है पूरा का पूरा, हर तीन हफ्ते के अंदर मेरी पिक्चर आ गई बोलकर आ जाता है, बस खत्म वैल्यू खत्म पूरा का पूरा। तो मिलते हैं अपने एक लोडियो से, तब तक के लिए।